हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। टू मोल्स ऑफ हीलियम गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। अज्यूमिंग द गैस टू बी आइडियल, कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दी हुई है, इसमें आपसे पूछा है द नेट चेंज इन द हीट एनर्जी, द नेट वर्क डन एंड द नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सो हियर द की कॉन्सेप्ट विल बी, कॉन्सेप्ट विल बी साइक्लिक प्रोसेस। ऑब्वियसली साइक्लिक प्रोसेस ऑफ मोनोएटॉमिक, साइक्लिक प्रोसेस इज एनी प्रोसेस इन विच वी कैन सी ऑल द प्रोसेसेस लाइक आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। मतलब सारे प्रोसेसेस आपको थोड़े थोड़े देखने मिलते हैं जो कि एक साइकिल में पूरा कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। बेसिक ही कॉन्सेप्ट यही है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, उस हिसाब से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला पूछा है कि द नेट चेंज इन द हीट एनर्जी। ठीक है, तो बट हम सबसे पहले द नेट वर्क डन पता करना। ठीक है, सो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। देखो, अब जैसे ए टू बी क्या है, ए टू बी के टाइम क्या है, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज चेंजिंग। ठीक है, सो दिस इज वॉट वी कैन राइट। वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज आइसोबेरिक प्रोसेस। तो पी वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन क्या बोल सकते हैं आप, ये अपना ये बी जो है वी टू है, वी बी माइनस वी ए। सो वॉट इट विल कम, इसको हम लिख सकते हैं एन आर टी बी माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 2 मोल है तो 2 n की जगह पे, आर की जगह पे 8.314 इंटू 400 माइनस 300 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1662 जूल। फिर वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी। ठीक है, बी टू सी में क्या हो जाएगा, बी टू सी टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाता है, वर्क डन माइनस एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन वर्क डन। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 into 8.314 इंटू 400 इंटू, देखो ये वाला टेम्परेचर जो है बी टू सी में जा रहे हैं तो एक ही टेम्परेचर है ना, 400 का लिए इंटू एल एन टू। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन तभी हटा क्योंकि हमने ये देखो क्या पहले लिखते, एल एन वन वन बाई टू लिखते, तो हमने जस्ट इसको उल्टा कर दिया जिसकी वजह से नेगेटिव साइन हट गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ln की वैल्यू लगा के लॉग लगा के पूरा अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4610.26 जूल। फिर वर्क डन इन द प्रोसेस, वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू डी क्या हो जाएगा, सी टू डी फिर से आइसोबेरिक कंप्रेशन है, आइसोबेरिक कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, पी वी टू माइनस वी वन दैट इज एन आर टी टू माइनस टी वन दैट इज 2 मोल है, आर 8.314। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो फाइनल है वो 300 केल्विन है और ऑब्वियसली कंप्रेशन है, तो ये माइनस, सॉरी मतलब माइनस इनटू 100 दैट विल बी माइनस 1662.8 जूल। ठीक है, ये हो गया अपना, यहाँ पे भी 0.8 जूल रहेगा। पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे, मैंने अप्रोक्सीमेशन दिया था 1662.8 जूल। ठीक है, ये माइनस में यहाँ पे हो जाएगा सी टू डी में। अब वर्क डन जो है वो डी टू ए में क्या होगा, फिर से वही वाला चीज है कि माइनस ऑफ
एन आर पी एल एन पी टू बाई पी वन। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस टू इंटू आर 8.314 इंटू 300 टेम्परेचर। देखो ये डी टू ए जा रहे हैं अपन, 300 इंटू, अब इसमें माइनस हटेगा नहीं क्योंकि एल एन ऊपर की तरफ टू है, इस वजह से इससे माइनस नहीं हटेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -3457.69 जूल के आसपास। ठीक है, सो हमने सारा वर्क डन निकाल लिया, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, ये सारा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। जब आप सारा को ऐड करते हो ऊपर से नीचे, तो दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम, मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, 1153 जूल। तो हमारा जो बी का आंसर है ना वो मिल चुका है, बी का आंसर मिल चुका है 1153 जूल। अब फर्स्ट लॉ से क्या बोल सकते हैं हम कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो सिंस ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह मिलते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह मिलते हैं, तो इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा यू, ये जो होगा जीरो होगा। ठीक है, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, डेल्टा यू विल बी जीरो। तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू होगा मतलब -1153 जूल होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है इसमें, मतलब नेट प्रोसेस में हीट जो है वो रिलीज होगा, तो नेट वर्क डन जो होगा 1153 जूल होगा, नेट चेंज इन द हीट एनर्जी जो होगा वो -1153 जूल। तो सारे आंसर्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, ए बी सी। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।